अरे सर्वी छोड़ दिया, कभी भागवत कथा पर उठे, कभी भी भागवत कथा, ये भागवत का श्लोक है जो सदा से प्याप, सदा से प्याप समझनी भागवत कथा। भगवान की कथा हर समय सुननी चाहिए, सेवन करनी चाहिए, भागवत कथा में सुननी चाहिए हैं। इसलिए भागवत कथा कभी बंद नहीं होनी चाहिए। कभी जब मेरे पास पूछ रहे थे हम वो स्थान को बदला देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बल्कि कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं, हम जो कथा सुन रहे हैं, वो कर्मकांडी ब्राह्मण जैसे नहीं है। हम लोग तो शुद्ध भक्ति के लिए करें, भगवान की भक्ति हो, भगवान की प्रेम सबकी हृदय में प्रभु की प्रेम जगे, समझ रहे हो। इसलिए आप लोग जो नियम से कथा सुन रहे थे, आप लोग सबके सब नियम से कथा सुनते रहना, कथा नहीं छुपनी चाहिए। एक दिन हम भी जाना संसार से, किसको नहीं जाना होता, सबको जाना ये संसार से। इसलिए भगवत कथा कभी बीच में बंद नहीं होनी चाहिए, नित्य निरंतर भगवान की कथा चलनी चाहिए। बोले श्रीमद् भागवत कथा गत पहले हम लोग श्रवण कर रहे थे। श्री परीक्षित महाराज ने कलियुग को उन्हें चार जगह पर स्थान दिया, मतलब पहला नंबर है जुआ मत खेलो, दूसरा नंबर है कोई नशीली वस्तु मत लो, तीसरा नंबर है अवैध रूप में स्त्री पुरुष, पुरुष स्त्री से मत मिलो, और चौथा नंबर है जीव हिंसा मत करो, मतलब मांस मछली अंडा प्याज लहसुन मत खाओ। एक दिन श्री परीक्षित महाराज जंगल में भ्रमण करते करते आज इतनी जोर से उनको प्यास लग रही थी, कभी इतनी में लगी नहीं। उन्होंने भ्रमण करते करते एक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे, वो ऋषि भगवान की भक्ति कर रहे थे। उन्होंने उनको पानी मांगे, लेकिन वो तो भजन में डूबे हुए थे, पानी नहीं दिया तो उनको भजन में उन्होंने मरा हुआ सर्प डाल दिया। जब उस बच्चा को पता चला मेरे पिताजी के गले में परीक्षित महाराज ने मरे हुए सर्प को डाले, उन्होंने कौशिक नदी का पानी को उठाया, उन्होंने अभिशाप दिया। बोले जिस राजा ने मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाले, मैं अभिशाप देता हूँ सप्तम दिवस में उनको तक्षक दर्शन करेगा। अगर हमें पता चले भैया सात दिन में मरे ग्रह दिया, मैंने बताऊँ हम तो आधा ही मर जाएंगे, नहीं तो बोले सात दिन जिंदा रहेंगे ना, बढ़िया से बढ़िया चकाचक खाओ पियो घूमो हम मर जाएंगे। लेकिन परीक्षित महाराज ने ये नहीं किए, बोले नहीं, ये जीवन जो है भगवान दिया है, बड़े भाग्य से ये जीवन मिला है, ये जीवन बारम्बार ये जीवन हमें नहीं मिलती है। अपना बेटे को उन्होंने राज सिंहासन में बैठा दिया और उन्होंने गंगा किनारा में आश्रय दिया। बोले गंगा कौन है, बोले भगवान की चरणा में, मानव ठाकुर जी की चरणों को उन्होंने आश्रय दिया। पहले गरीब हो नहीं था, लेकिन ऋषि मुनियों के पास व्यक्ति पर ज्ञान होता था, सारे ऋषि मुनियों को पता चला श्री परीक्षित महाराज का अभिशाप है, यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी आएंगे, वहाँ पर खास हजार ऋषि एकत्रित होंगे। परीक्षित महाराज बोले मेरे ऊपर में अभिशाप नहीं, आज तक मेरे ऊपर में ठाकुर को कृपा है, क्यों जीवन में एक संत दर्शन दुर्लभ है। लेकिन आज देखो कितने सारे संत लोग इकट्ठे हुए, आज तक मैं भाग्य जग गया, आज मैं अहो भाग्य है। तो उन्होंने ऋषियों को प्रश्न करते हैं, भले हे ऋषियों आज हो नहीं तो कल हो नहीं तो परसों हो नहीं तो बरसों हो, सबके भिन्न मरना है, लेकिन जब सबको मरना तब जीव का कर्तव्य क्या है, आप कृपा करके आप बताओ। लेकिन नासो मुनि जस मतम न मिल, वहाँ पर ऐसे कोई ऋषि नहीं थे जिसका अलग ही मत नहीं था। किसने कहा विघ्न विनाशन गणेश जी को पूजा करो, किसने कहा कि उसकी मैया क्या कहीं चली गई नवरात्र करो ना, बोले तीन साल तुम कह रहे हो नवरात्र करो, किसने कहा भैया मृत्युंजय को पाठ क्यों नहीं करते, जिसे मृत्यु को जय करी और ग्रह भी उनचास देखिए, लेकिन इनके पास में कोई साथ देखिए। तब श्री परीक्षित महाराज ने भगवान के चरण में शरण
बोले हे ठाकुर जी, आप ही मुझे माँ के गर्भ में दर्शन दिया, आप ही मेरे प्राण को रक्षा किया था, अभी मेरे ऊपर मैं अभिशाप हूँ, 7 दिन में मरने वाला हूँ, मेरी मन में कोई इच्छा नहीं, केवल एक इच्छा है, आपकी कथा सुनते सुनते मेरे साथ ही मिल जाए, आप लोग इतना ही आशीर्वाद करो। देखो, जब निष्कपट हृदय से आप ठाकुर को कोई भी चीज प्रार्थना करो, ठाकुर जरूर इच्छा को पूरी करते हैं। इसलिए भगवत इच्छा से श्री सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुई। बोले श्री सुखदेव महाराज कोई 50 साल के, कोई 100 साल के, कोई 200 साल के, कोई 500 साल के, कोई 1000 साल के, जटाजुटधारी सबके सब बड़े बड़े ऋषि लोग बैठे हुए थे। इसलिए श्री करके सुखदेव गोस्वामी सबको प्रणाम किया, सबको प्रणाम करते हुए उन्होंने व्यास नदी पर बैठे थे। देखो यहाँ प्रश्न है, ये सबसे छोटा बच्चा है, कई 12 साल, कई 16 साल की आता है, लेकिन यहाँ पर इतने बड़े 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 साधु संत बैठे हुए, लेकिन ये कथा किससे सुने, बल्कि क्यों इतने छोटे बच्चे से क्यों कथा सुने? बोले भैया, देखने में छोटे लेकिन ये बड़े छोटे हैं, ये छोटे नहीं, कभी ये कौन है? बोले प्रिया सुखश्री पवित्र चंचो प्रिय जो बलिना एकांत कनन रहस्य पाटी निकुंज प्रसाद सदा निवास। बोले ये कौन है? बोले राधा रानी की ये प्रिय सुख है, जिसको राधा रानी अपना हाथों में बैठा करके आहार खाना खिलाया करते थे। बोलते थे बोलो तो सुख कृष्ण कृष्ण। कहते राधा रानी के 3 सुख है, कितना सुख है? इनके 3 तोते थे, एक तोता तो विचक्षण मतलब राजचतुर, एक तोता था जो मधुभाषी है, बड़ी मीठी मीठी बोली बोलता था, एक तोता का नाम सुभा। यदि तोता क्या करते थे, आज कहाँ राधा कृष्ण का मिलन हो, अगर कृष्ण राधा जी को पास में, राधा अगर कृष्ण को पास में कोई व्यास भेजना चाहते थे, ये तोता सारे व्यास। आज कहाँ इनकी लीला होगी, कहाँ इनकी कुंज बजेगी, कहाँ इनको मिलन होगा, यही तोता राधा कृष्ण को प्यास में भेजते थे। बोले एक समय राधा रानी कृष्ण विरह में 4 लाइन के एक श्लोक पढ़ी, वो श्लोक का मतलब था कहते मेरी प्रेम से श्याम सुंदर से हो गया, लेकिन ये श्याम सुंदर तो साधारण है ही नहीं, से महेश गणेश दिनेश सुरेश जाए निरंतर ध्यान में, ये तो साधारण कृष्ण है ही नहीं, तब उनको प्रति मेरी प्रेम हो गई, लेकिन ये दुर्लभ पुरुष मुझे प्राप्त कैसे हुए। एक दिन राधा रानी विरह में ये श्लोक को उच्चारण की, लेकिन वो तोता विचक्षण तोता बड़ा चतुर है, एक बार कर राधा रानी से वो श्लोक को सुने और उसने वो श्लोक को रट लिया, और एक दिन राधा रानी के हाथों से उड़ते 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 आ गया बरसाना से नंदगा, और एक पेड़ ऊपर बैठ करके वो श्लोक को उच्चारण कर रहा था और राधा रानी की कीर्तन कर रहा था। बोले राधे का नाम अनमोल बोलो राधे 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 का Yeah.
और तोते को रख लिए। इतने में ही राधा रानी बड़ी